हेलो चिल्ड्रन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम आपकी लास्ट यूनिट यूनिट नंबर टेन की एक छोटी सी पोएम करेंगे द नेम ऑफ द पोएम इज़ फ्लाइंग मैन तो ये एक देखो पिक्चर में ये एक फ्लाइंग मैन है और नीचे देखो एक छोटा सा जो चाइल्ड uh, है वो इसको क्या पूछ रहा है फ्लाइंग मैन क्या होता है एक उड़ने वाले व्यक्ति के बारे में ये एक छोटी सी पोएम है दिस इज अ पोएम अबाउट अ फ्लाइंग मैन एंड दिस मैन कैन फ्लाई इन द स्काई ये आसमान में उड़ सकता है एंड वन चाइल्ड आस्क हिम वेयर ही इज गोइंग एंड आस्क फ्लाइंग मैन टू टेक हिम

Hey, आसमान में उड़ने वाले मैन या व्यक्ति अप इन द स्काई ऊपर उड़ने वाले व्यक्ति वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाइंग हाई तुम इतना ऊंचाई मतलब ऊंचा फ्लाइंग मतलब उड़ना गोइंग मतलब जाना तुम इतना ऊंचा उड़कर कहाँ जा रहे हो ओवर द माउंटेंस माउंटेन्स मीन्स पहाड़ पहाड़ों के ऊपर एंड ओवर द सी और समुद्रों के ऊपर फ्लाइंग मैन फ्लाइंग मैन हे उड़ने वाले मैन कांट यू टेक मी क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके जा सकते तो बच्चा क्या कह रहा है हे आसमान में उड़ने वाले मैन या व्यक्ति तुम इतना ऊंचा उड़कर कहाँ जा रहे हो पहाड़ों के ऊपर और समुद्र के ऊपर हे उड़ने वाले मैन व्यक्ति हे उड़ने वाले व्यक्ति क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते तो ये छोटी सी पोयम थी इसके अब वर्ड्स देख लेते हैं फ्लाइंग एफ एल वाई आई एन जी फ्लाइंग मैन फ्लाइंग मीन्स उड़ना हाई मीन्स ऊंचा, एम ए एन यानी आदमी माउंटेन्स मतलब पहाड़ सी मतलब समुद्र टेक मतलब ले जाना नेक्स्ट लेट्स रीड द mountains आर हाई द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई जो पर्वत हैं वो बहुत ऊंचे हैं और जो पक्षी हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं वेयर डज द फ्लाइंग मैन गो उड़ने वाला व्यक्ति कहाँ जाता है द फ्लाइंग मैन गोज अप इन द स्काई जो उड़ने वाला व्यक्ति है वो स्काई में जाता है आकाश में वट डज द चाइल्ड वॉन्ट टू डू बच्चा क्या करना चाहता है द चाइल्ड वॉन्ट्स टू गो अलोंग विद द फ्लाइंग मैन वो फ्लाइंग मैन के साथ जाना चाहता है लेट्स टॉक में कैन यू गेस हु द फ्लाइंग मैन इज क्या तुम जानते हो फ्लाइंग मैन कौन है तो ये आप कह सकते हो फ्लाइंग मैन इज अपर मैन और फ्लाइंग मैन इज अ पायलट और फ्लाइंग मैन इज एन एस्ट्रोनॉट और फ्लाइंग मैन इज अ बैट्समैन नेक्स्ट नाउ टॉक अबाउट हिम तो इसमें क्या है आपने ये जो चार आंसर दिए हैं द फ्लाइंग मैन इज सुपर मैन पायलट इनमें से आपने टिक करना है इस पिक्चर को देखे तो आप इसमें देख के लग रहा है इसका आंसर तो सुपरमैन आएगा तो आपने अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है कि आपको क्या लगता है गैस कर सकते हो ये फ्लाइंग मैन कौन है नेक्स्ट है नाउ टॉक अबाउट हीम द फ्लाइंग मैन इज़ अ सुपर मैन ये जो है ये सुपर मैन है हमने ये फर्स्ट चांस टिक किया है ही इज़ अ रियल हीरो ही इज़ ब्रेव और एंड करेजियस नेक्स्ट लेट्स शेयर हैव यू सीन एन एरोप्लन क्या तुमने कभी एक हवाई जहाज़ देखा है येस आई हैव सीन एन एरोप्लेन लेट्स प्रिटेंड यू आर अ पायलट चलो दिखावा करते हैं प्रिटेंड मतलब या कल्पना करते हैं कि तुम एक पायलट हो यानी कि जहाज़ का जो पायलट होता है फ्लाइंग एन एरोप्लेन एक हवाई जहाज़ को उड़ाने वाले पायलट हो तो आप क्या फर्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा है वट विल यू सी आउटसाइड योर एरोप्लेन तो तुम ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द नाइट तो तुम अपने एरोप्लेन के बाहर दिन के समय बाहर क्या देखते हो या क्या देखा तुमने और रात के टाइम पे क्या देखा तो इसमें ड्यूरिंग द डे लिख सकते हैं ड्यूरिंग द डे आई कैन सी माउंटेन्स ट्री बिल्डिंग्स एक्सेट्रा एंड एट नाइट आई कैन सी लाइट्स एवरी वेयर वट विल यू सी इनसाइड योर एरोप्लेन और तुम अपने एरोप्लेन के अंदर क्या देखोगे आई कैन सी पैसेंजर्स क्रू मेम्बर्स एक्सेट्रा ओके नेक्स्ट से अलाउड मग मोव मम मदर मद वेस वेल व्यू वैन वोट वेव वॉल वैक्स वाइंड वाई नोट नी नी नीट नॉट इसमें के साइलेंट रहेगा विच वर्ड इन द बॉक्स साउंड लाइक हाई जो ये बॉक्स में जो शब्द दिए हैं हाई शब्द की तरह ध्वनि कौन देता है मतलब कि जो साउंड है वो हाई जो ऊपर ये जितने भी वर्ड दिए हैं इनमें जो हाई की जो साउंड प्रोड्यूस होती है जैसे हाई इसमें कौन सा वो जो है वो देता है साउंड हाई की तरह जैसे हाई तो इसमें देखा डब्ल्यू एच वाई वाई विच वर्ड राइम्स विद मी मी के साथ कौन सा वर्ड राइम कर रहा है मी के साथ कर रहा है इसमें के एन ई ई नी नेक्स्ट वट shall आई बी वेन आई ग्रो अप मैच द फॉलोइंग इसमें क्या लिखे जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं क्या बनूंगा तो इसमें देखो अ person हु सेल्स अ शिप इसको हम मैच करेंगे जो शिप को कौन जो सेल करता है ये जो सेलर है नेक्स्ट है अ पर्सन हु फ्लाइज अ स्पेस शिप स्पेस शिप को कौन वो करता है एन एस्ट्रोनॉट अ पर्सन हु ड्रॉज और पेंट वो आर्टिस्ट नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु मेक सिक पीपल वेल तो हम क्या लिखेंगे इसका जो बीमार लोगों को ठीक करता है वो होता है डॉक्टर अ पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर वो कौन होता है अ पोस्टमैन नेक्स्ट होता है अ पर्सन हु ग्रोज क्रॉप्स वो कौन होता है फार्मर एंड देन अ पर्सन हु मेक्स क्लोथ जो जो क्लोथ बनाता है वो कौन होता है अपना अ टेलर अ पर्सन हु वर्क्स इन स्कूल वो कौन है अ टीचर अ पर्सन हु चेक्स टीथ वो कौन है अपना डेंटिस्ट अ पर्सन हु फ्लाइज एंड एरोप्लेन तो एरोप्लेन पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एरोप्लेन का हमारा कहाँ गया पायलट ये है हमारा नेक्स्ट देखिए आप ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड आपके कैपिटल लेटर्स भी इसके साथ ख़त्म हो जाते हैं आपने इनको वही है ट्रेस करना है उसके बाद आपने इसको कंप्लीट करना है प्रैक्टिस करनी है इस वर्कशीट पे जो आपकी बुक में दी गई है तो आज की ये छोटी सी पोएम आपको कैसी लगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपका लास्ट चैप्टर होगा यूनिट टेन का तो जो भी नए बच्चे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे टिल देन बाय टेक केयर